सच क्या है बता। तुम बताओ कौन थी वो दूसरी मां? सुमन, मैं तुमसे बोल रही हूं, कौन थी वो दूसरी मां? कंचन को कहा था कि अपने मम्मी पापा को बुला। नहीं तो हॉस्टल से निकाल देंगे और रिजल्ट भी रोक देंगे, तो फिर वो डर के मारे आप लोगों को नहीं बुला पाई और आपकी जगह मुझे अपनी मम्मी। तू इसकी मम्मी बनी थी? ये सब करते हुए डर नहीं लगा तुम दोनों को? डर तो बहुत लगा था, लेकिन क्या करती, उस वक्त कंचन बहुत परेशान थी। कंचन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम दोनों को इतना बड़ा नाटक करना पड़ा? खड़े खड़े देख क्या रही हो तुम दोनों? अंदर जाकर कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं। जाओ। क्या हुआ, आ गए तुम्हारे फादर? नहीं सर, वो मम्मी ही। मम्मी? अरे तुम फिर अपनी मम्मी को ले आई? मैंने तुम्हें अपने पापा को लाने के लिए कहा था ना सर। वो पापा नहीं, मम्मी। क्या फायदा, ये बोलती तो है नहीं। नहीं सर, आज वो बोलेंगी। अच्छा, देखिए मैं एक ही कहानी को बार बार नहीं दोहराता। आपकी लड़की ने हरकत ही ऐसी की है कि जरा सोचिए बाकी की छात्राओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। नहीं
नहीं आई ना आवाज। आपने जो कुछ भी कहा मैं उसे मानती हूँ। ये भी मानती हूँ कि विद्या के मंदिर में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। बस एक बात कहना चाहती हूँ, हमने अपनी बच्ची को ऐसी परवरिश नहीं दी थी। जिस घर से कंचन यहाँ पढ़ने के लिए आई है वहाँ इज्जत ही सबसे बड़ी चीज मानी जाती है, जहाँ कोई भी उसके खिलाफ जाने का साहस भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास सबूत है, आपने देखे है ना कल वो एरोप्लेन। जरूरी है क्या इसमें मेरी लड़की की गलती हो? आप तो बस उस लड़की की चिट्टियां दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं सर जी, 3 साल से मेरी बच्ची आपके यहाँ पढ़ रही है। आप खुद बताइए, आपने या किसी ने भी इस बच्ची को उस लड़के के साथ देखा? नहीं ना। यही तो मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है सर जी, और उसी भरोसे पर हमने इसे घर से इतनी दूर आपके पास भेजा है। आप खुद सोचिए, मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती तो आप ऐसे ही सोचते? आपके दिल में माफी की कोई जगह नहीं है? देखिए देखिए, हम यहाँ आपकी लड़की के भविष्य को बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन क्या करें, अनुशासन कायम रखने के लिए हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। जी जी, जानती हूँ। चलिए, अब अगर आप खुद जिम्मेदारी ले रही हैं तो हम इसे माफ कर देते। लेकिन आप भी इन्हें जरा समझाइए कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बच्चियों पर ध्यान दीजिएगा। मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। मम्मी बस बस, अब ये फिल्मी डायलॉग मत मारो। और तू, इसकी बातों में आकर फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हो गई थी है ना? क्या करती आंटी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था, और बहुत परेशान थी ये। इसका मतलब अगर कंचन ने कह दिया कि कुएं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगी? अगर कूदना जरूरी होगा तो कूदना तो पड़ेगा ही। मुझे उस वक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस कैसे भी कंचन को पनिशमेंट से बचाना था। तुम दोनों की दोस्ती को तो मान गई मैं। चले कंचन। जी मम्मी। एक बात कहना चाहती हूँ, अपने पापा और दादा की इज्जत हमेशा बनाए रखना बेटा। बहुत सपने देखे हैं हमने और तुझे यहाँ भेजा है, उन सपनों को कभी तोड़ना मत। हाँ मम्मी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? पगली, भरोसा है इसीलिए तो कह रही हूँ। घर से चली तो ये नहीं कि नेल पॉलिश ही लगा ले। ये सब छोड़, तुम लोगों के साथ रहकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन लौटा है। बहुत अच्छा लगा। अब ये नेल पॉलिश लगाने की उम्र नहीं रही, ये सब तो तुम लड़कियों पर शोभा देता है। पर आंटी, कम से कम तेल तो लगाया कीजिए, देखिए आपके बाल कितने रूखे रूखे हो गए।
रहने दो सुमन, अब मैं ये सब कहाँ करती। तो बहू ले आइए ना, फिर शौक से बैठ के बालों में तेल लगवाते रहना। मैं उनमें से नहीं जो अपनी बहू से काम करवाऊँ। बिल्कुल सही बात है आंटी। एक काम करिए, ये सुमन है ना, इसे अपने साथ ले जाइए। हाँ आंटी, बिल्कुल सही कहा। ये सुमन से ज्यादा अच्छी मालिश और कोई भी नहीं कर सकता। वाकई इसके हाथों में जादू है कि जब भी हमारे मेस में आके खाना पकाती है तो हम अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाकई सुमन के हाथों में जादू है। सुमन मेरे साथ चलोगी तुम? अच्छा, फिर मेरा क्या होगा? देखा आंटी, ये कंचन है ना, सुमन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। चलिए आंटी, अब आप सो जाइए। आपको कल सुबह शॉपिंग करने भी जाना है ना? अरे हाँ। और कंचन, तुम भी सो जाओ, कल तुम्हारे प्रैक्टिकल है ना? हाँ, चलो चलो हम भी चलते हैं, आंटी को आराम करने देते हैं। बाय बाय आंटी। बाय 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 कंचन। बाय। आज आंटी की बातों से मैं ये पहली बार जान पाई कि संस्कार किस तरह किसी के भविष्य पर असर डालते हैं। आज मैं समझ पाई कि जो बातें आंटी ने डीन साहब से कही हैं, वो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लेती पर बोल नहीं सकती थी। क्योंकि जिस तरह की परंपरा और पारिवारिक मूल्यों की बात आंटी ने कही, वो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है। इसलिए आज आंटी के सर में तेल लगाकर, उन्हें छूकर, मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। खुश रहो, अच्छे से प्रैक्टिकल्स देना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है कंचन, अब तुम जाओ और अब आंटी की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा जा, नमस्ते। कपड़ों की दुकान है। सुमन बेटा, पिंकी के लिए सबसे पहले जेवर खरीद लेते। वहाँ पर मिलेगी। अच्छी, चले वो दुकान। जी हाँ, चलो चलते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छे कपड़े मिलते हैं। यहाँ देख लेते हैं। हाँ, 5 साल, 8 साल और 12 साल के बच्चों के लिए कपड़े दिखाइए। छोटी वाली बहन के 2 लड़के हैं, विकी और प्रिंस। विकी 8 साल का है और प्रिंस 12 साल का। तुम बताओ विकी के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ये या ये? एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये ले सकती हूँ? थैंक यू। ये वाला कैसा रहेगा? आठ साल के बच्चे के लिए
बहन जी ये तो 4 साल के लड़के का है, कुछ दिन पहनने के बाद में छोटा हो जाएगा। अब वो दिखा दीजिए। सुमन, इनसे कहो अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाए, अलग अलग रंगों में। भैया जरा साड़ियाँ तो दिखाइए, और हाँ अलग अलग रंगों की दिखाइएगा। वो वाली दिखाइए, और हाँ वो वाली भी। सुमन ये नहीं चलेगी। भाई साहब आप जरा अलग अलग रंगों की साड़ियाँ दिखाइए, शादी ब्याह के लिए देनी है। लेकिन आंटी आपको वो साड़ियाँ क्यों नहीं पसंद आई? रंग देखा है तो आपको रंग पसंद नहीं आया? ऐसे बोलिए ना, मैं आपके लिए अभी दूसरे रंग की साड़ी निकलवाती हूँ। भैया भैया वो काले रंग की साड़ी दिखाइएगा। अच्छी साड़ी है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि ये साड़ी आप खुद पहनिएगा शादी के दिन। आप गोरी है ना, तो आप पर ये काले रंग की साड़ी बहुत जचेगी। क्या हुआ आंटी, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? तू पागल हो गई सुमन, ये काले रंग की साड़ी पहनूंगी मैं शादी ब्याह में? ये अशुभ रंग माना जाता है। और वो भी मैं ये पहनू? ना समझ लड़की हो तुम। I'm sorry आंटी। सॉरी क्या? शादी की उम्र हो गई है, फिर भी कुछ समझती नहीं हूँ। पता नहीं कब समझोगी। कुछ और दिखा दीजिए भाई साहब, ये सब हटाइए। ऐसी साड़ी पहनते, ऐसी साड़ी, ये शादी की साड़ी कहते हैं, काले रंग की साड़ी। ये पैक कीजिए। ये देख, मेरी पिंकी पर खूब जचेगी। और वो भी दिखाइए। आजकल की लड़कियां भी ना कुछ भी नहीं पता, ऐसा लगता है कि कुछ देखा ही नहीं। घर परिवार क्या होता है, रिश्ते नाते क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, शादी ब्याह क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। बुरा मत मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मुझे बुरा लगा बेटा। मैं तो सिर्फ बड़े होने के नाते तुझे समझा रही थी बेटा। नहीं आंटी,
आप सही बोल रहे हैं, मुझे घर परिवार रिश्ते नाते शादी ब्याह के बारे में कुछ भी नहीं पता। तू ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? क्योंकि मैं अनाथ हूं। मेरी परवरिश घर में नहीं बल्कि एक अनाथ आश्रम में हुई है। मेरी तरफ देख सुमन, तूने कैसे कह दिया कि तू अनाथ है? आज से मैं सिर्फ कंचन की माँ ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ। खबरदार, जब तूने अपने आप को अनाथ कहा तो आज से मैं तेरी माँ हूँ।